हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार यादव, टीम बोटनी, सीएलसी सीकर। तो बेटा, आज दंगल टेस्ट सीरीज का जो सेवेंथ नंबर का पेपर है, उसका अपन वीडियो सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। आप सभी जानते हो बिल्कुल, आपका जो फाइनल गेम है 17 जुलाई को है और उसकी ये लास्ट प्रिपरेशन चल रही है। आपने इतने सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, इतने सारे वीडियो हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करवाए हैं विद सॉल्यूशन। आपने पूरी साल बहुत मेहनत की है बेटा, आपने पूरी साल एनसीईआरटी क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, काफी कुछ रिवाइज किया है। अब वक्त आ गया है कि आपने जो भी पढ़ा है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करके और बिल्कुल कूल माइंड से और फ्रेश माइंड से आपको 17 जुलाई को बेटा बहुत अच्छे से खेलना है। केवल और केवल एग्जाम हॉल में आपका आत्मविश्वास अब आपको जीत दिलाएगा। नॉलेज आपने ले ली है, सबने पढ़ाई की है बेटा, सबके पास नॉलेज है, सबने बहुत अच्छे से रिविजन किया है, खूब पेपर आपने सोल्व किए हैं। लेकिन अब लास्ट टाइम आ गया कि अब आपका दिमाग क्या होना चाहिए, बिल्कुल कूल और फ्रेश। आत्मविश्वास को मत डगमगाने देना बेटा, वही आपकी जीत के लिए मेन फैक्टर होगा एग्जाम हॉल में। आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी, दोनों पे फोकस करना, और वो तभी हो पाएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। बहुत तैयारी की बेटा आपने, बहुत कुछ पढ़ाई की है, तो एक बार वो चीज महसूस करके देखो कि आपके पास बहुत नॉलेज आ चुकी है। अब उस नॉलेज को कैसे अपन यूज करें वो आप पे डिपेंड करेगा, आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करेगा। इतने सारे आपने पेपर सोल्व किए हैं, पूरी साल की मेहनत आपकी, सीएलसी ने आपको इतने दंगल, डीसीएम, सबका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया है। हम लोग आपके लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, हर चीज कोशिश कर रहे हैं कि बेटे कि आपको ये टॉपिक और क्लियर करें, नए नए क्वेश्चन और डालें, अच्छे क्वेश्चन को बार बार क्या करवाएं, रिवाइज करवाएं, जो अच्छे कॉन्सेप्ट उनको बार बार क्या करें, रिवाइज हम भी करवा रहे हैं और आप लोगों को भी क्या करना है, रिविजन करना है। अब हम लोग जितनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बेटा, अब उस चीज को आप समझ सकते हो तो आपका सौभाग्य है, और नहीं समझ पाओगे तो कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, उनका दुर्भाग्य होता है। इसलिए विश्वास खुद पे भी रखना है, विश्वास इधर भी रखना है, तभी आपका विश्वास जीत पाएगा, तभी आपको एक बड़ी जीत मिलेगी 17 जुलाई को। जब एग्जाम हॉल से आप बाहर निकलोगे तो आपके चेहरे पर क्या होगी, खुशी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको पूरे सीएलसी परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, सभी की तरफ से आपको पहले मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं कि 17 जुलाई को बहुत अच्छे से खेल के आना है बेटा, और इस खेल को बहुत इजी बनाना है जो तुम बनाओगे। तो अपन प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 151। सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अपना मकसद मैं पहले बता दूं बेटा आपका, अपना मकसद केवल क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं है। क्वेश्चन को सोल्व करना तो एक बहाना है, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए इसके साथ साथ जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्या करेंगे, अपन रिवाइज करेंगे। ये तो एक क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे भी आपको जाना होगा, ताकि आप वीडियो देख रहे हो तो उसका फायदा ये उठा सकते हो आप कि अपन क्या बातें करें, इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द क्या कॉन्सेप्ट आए, ताकि दिमाग में आपकी वो चीजें बार बार क्या हो जाए, फिर रिफ्रेश हो जाए। यही तो करना होता है फाइनल प्रिपरेशन में, ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन आपने देख लिया, रट लिया, छोड़ दिया। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें करता है, करते चलेंगे अपन बहुत ध्यान से। अगर वीडियो देखो तो पूरा कंसंट्रेशन से देखो, नहीं तो मत देखना बेटा, सारी बातें सुननी है आपको। ओके, और सुनोगे अच्छे बच्चे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 151, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, और समझ में आ गया, ट्रांसलेशन प्रोसेस से रिलेटेड हो गया ये, जिसमें अपन प्रोटीन का निर्माण करवाते हैं। तो देखो क्वेश्चन भी अच्छा डिजाइन किया है, टीआरएनए हैज एन एंटीकोडोन। पहले पूरी बात समझना बेटा, इस क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को कहीं पर भी काम में ले सकता है। इसने साफ बोला है कि जो टीआरएनए है उसमें एंटीकोडोन लूप होती है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में, एंटीकोडोन लूप जिसमें एंटीकोडोन पाए जाते हैं, जो कोडोन के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। हर पॉइंट पे क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा, हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। ऑल्सो हैज एमिनो एसिड एसेप्टर एंड, सब जानते हो टीआरएनए जो है उसमें जो 3' एंड होता है वो एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, वहां पर एमिनो एसिड जाके बाइंड होता है, एक्सेप्टर आर्म जिसको अपन बोल देते हैं। टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, टीआरएनए अपने अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक भी है कि कौन से टीआरएनए पर कौन सा अमीनो एसिड आके बाइंड होगा, वो डिपेंड करेगा एंटीकोडोन पे, और एंटीकोडोन किसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वो होते हैं कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री। तो फाइनली जो एमआरएनए में कोडोन है वही अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करेंगे, किसमें, पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ये एमआरएनए है बेटा 5', और ये 3', इस एमआरएनए पे क्या है, कोडोन है, इन्होंने टीआरएनए को बाइंड करके दिखा रखा है।
टीआरएनए एमआरएनए के साथ बाइंड होता है, इसमें कोडोन है और यहां पर कौन है, एंटी कोडोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अमीनो एसिड को लेके आएगा, अमीनो एसिड को लेके आएगा। अब सीधी सी बात है, उसने क्वेश्चन देखो क्या डिजाइन किया है कि दिए गए चित्र में ए और बी के सही विकल्प हैं, यहां ए कौन है और बी कौन है, पक्का बेटा ए अमीनो एसिड है और बी भी कौन है, अमीनो एसिड है। लेकिन अब क्वेश्चन आ गया कोडोन से बन गया कि यहां कौन सा अमीनो एसिड होगा, तो आपको सीधा याद रखना है कोडोन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम इसलिए इसको वो कवर कर सकता है, ध्यान रखना। कोडोन कौन सा बेटा, यहां पर एयूजी, कौन सा कोडोन है, सॉरी एजीयू। तो एजीयू जो कोडोन है वो किसको कूट लिखित करता है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। यहां पर कौन सा है, यू ए सी, ये है ना कोडोन आपका, तो ये किसको कूट लिखित करेगा वो भी आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं यहां पर ए कौन होगा, इस कोडोन के लिए कौन सा अमीनो एसिड आएगा, किसको कूट लेखित करता है, सीधा याद करो ये कोडोन ए जी यू कोड्स फॉर सेरीन, और जो यूएसी जो है वो किसको कोड करता है बेटा, टायरोसिन को। आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपको कोडोन याद नहीं है, मान लो वहां दिमाग में एकदम से स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। मिथियोनिन सब जानते हो बेटा, मिथियोनिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एयूजी है इनिशिएशन कोडोन, पेटेंट क्वेश्चन है नीट का, वो किसको कूट लिखित करता है, किसको कोड करता है, मिथियोनिन को। तीन स्टॉप कोडोन होते हैं सबको याद है, तो एयूजी किसको कूट लिखित करेगा, मिथियोनिन को। और एक आपका होता है यूजीजी, वो भी आपने अच्छे से याद किया, यूजीजी जो ट्रिप्टोफेन को कूट लिखित करता है। तो दो चार जो है पेटेंट है उनको तो याद रखो, उन्हीं से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो यहां सेरीन या मिथियोनिन, तो मिथियोनिन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मिथियोनिन के लिए तो क्या होना चाहिए था, एयूजी। देखो यहां पर भी मिथियोनिन है, ये भी पॉसिबल नहीं है, यहां पर भी क्या मिथियोनिन है। तो अगर आपको याद भी नहीं हो तो आप थोड़ा सा दूसरी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट याद है तो बेटा सीधी सी बात है, पहले सीधे याद करो ना, एक दो बार देखोगे कोडोन याद हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन डाला गया है। कर लोगे इसका आंसर, फर्स्ट हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं बेटा इस कॉन्सेप्ट पे और ध्यान देना, जब रिवीजन करो तो एक बार फिर से देखना ये डायग्राम मैंने कहां से उठाया है, कौन से टॉपिक से, ये बातें जो है अपने आप में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगी, ट्रांसलेशन से रिलेटेड कहां कहां क्या क्वेश्चन बनाएगा, कोडोन, स्टॉप कोडोन, स्टार्ट कोडोन, जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी, अक्सर क्वेश्चन इससे आते रहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना बेटा हर स्टेटमेंट पे, क्वेश्चन वही एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन आपको अटैक करना है सीधा, अपना टाइम और जो एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करना है। देखो साइनोबैक्टीरिया के लिए कितने कथन सही हैं, तो जो साइनोबैक्टीरिया है बेटा, बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी, जो बीजी है, अब उसकी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, बीजी आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया है और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे याद होने चाहिए, पता नहीं कहां से कौन सा कॉन्सेप्ट वो डाल दे। तो देखें जो साइनोबैक्टीरिया है उसके लिए आपको राइट जो है वो चूज करने, कितने राइट हैं, चार स्टेटमेंट दिए हैं, नोस्टोक एंड एनाबिना आर द मेंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल सही है, सबको याद है, नोस्टोक है, एनाबिना है, ओलोसिरा है, ओसिलेटोरिया है, स्पाइरुलिना है, ये आपने सब पढ़े हैं, ये किसके एग्जांपल है बेटा, साइनोबैक्टीरिया के, बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी के। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट है, साइनोबैक्टीरिया कंटेन टू एंटीरियर फ्लेजिला, आप सभी जानते हो बेटा फ्लेजिला साइनोबैक्टीरिया में नहीं होती है, रेड एल्गी में भी फ्लेजिला नहीं होती है, साइनोबैक्टीरिया में इधर प्रोक्रेट में फ्लेजिला नहीं होती है, इनमें समानता है, दोनों में फ्लेजिला नहीं पाई जाती, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दे हैव म्यूसिलेजिनस सीथ ऑन आउटर सरफेस ऑफ द ट्राइकोम, अगर वो ट्राइकोम बना रहे हैं जैसा एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, तो उनके चारों ओर श्लेष्मी आवरण पाया जाता है, नोस्टोक का ट्राइकोम दे रखा है देखो बेटा इस तरह से, और उसके बाहर क्या दिखाया है, श्लेष्मी आवरण। काफी आपने प्रैक्टिस की है, सारी चीजें आपको पता है, लेकिन फिर भी अटैक करो, आप दो तीन बातें और एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट, दे प्ले ग्रेट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पैडी फील्ड, बिल्कुल सही है, जो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनका अपन उपयोग करते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर, और पैडी फील्ड में इनका काफी उपयोग किया जाता है, इससे प्रोडक्शन अपन काफी इंक्रीज कर चुके हैं, सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं बेटा, कहीं से भी क्वेश्चन को निकालेगा। तो देख लो इसमें कितने राइट हैं, तीन राइट हैं, तो देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड, जिसके अंदर तीन ऑप्शन क्या दिखा रखे हैं, राइट दिखा रखे हैं। कर लोगे, बड़ा सिंपल है। अब इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, प्रकाश संश्लेषणी प्रोटिस्टा है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अपने को तो कॉन्सेप्ट की बात करनी है।
प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेटिक है, सभी जानते हो बेटा प्रोटिस्टा में सभी मेंबर फोटोसिंथेटिक नहीं होते, कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब सीधा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओ, कौन कौन से हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं? आपको पता है जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं, डाई एटम, डाइनोफ्लेजिलेट, युगलीना, ये क्या है? फोटोसिंथेटिक। उसके अलावा जो प्रोटोजोवन है वो क्या हो गया आपके? नॉन फोटोसिंथेटिक, वो हेटरोट्रोप्स होते हैं। इसके अलावा स्लाइम मोल्ड, वो भी फोटोसिंथेटिक नहीं होते। तो पहचानो इसमें ये तीनों, युगलिनोइड, डाइएटम एंड डाइनो फ्लेजलेट, ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब ये तो मैंने क्वेश्चन डाल दिया, लेकिन अब आपको दिमाग में प्रोटिस्टा पूरा कवर होना चाहिए बेटा। डाइएटम के करेक्टर, डाइनोफ्लेजलेट के, प्रोटोजोआ के करेक्टर, युगलिनोइड के करेक्टर, वो दिमाग में एकदम घूम जाने चाहिए आपके, तभी एग्जाम हॉल में सारी चीजें आपको याद आएंगी। और यही होता है एफिशियंट माइंड, जो एग्जाम हॉल में लेके जाना पड़ेगा। नहीं तो बेटा रट्टाफिकेशन सभी बच्चे करते हैं, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, हर कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के लेके जाना है, आंसर सीधा टिक करो आंसर पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, पहले उनको कंसीडर करते हैं। यूनिसेलुलर हेयर, एक कोशिकीयरोम, एंडोडर्मिस विद पासेज सेल्स, पिथ स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस बोले तो अस्पष्ट, रेडियल वेस्कुलर बंडल, जाइलम एक्जार्क, 2-4 जाइलम एंड फ्लोएम। बड़ा सिंपल हो गया, क्वेश्चन को सिंपल ही बनाना था, लेकिन इसमें वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट ले लिए जो किससे रिलेटेड हैं। आप समझ गए इतना तो, आप ये जितने भी फीचर हैं वो किससे रिलेटेड हैं? डाइकोट रूट से। तो डाइकोट रूट के जो भी मेन मेन करेक्टर थे अपने डाल दिए। अब वो उल्टा क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि डाइकोट रूट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं या नहीं है। तो स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए बेटा। डाइकोट रूट की अगर बात करें अपन, तो मेन स्टीलर रीजन पे जाएं, तो देखो ये आपकी एंडोडर्मिस, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, सब मालूम है, जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाएं आप। अंदर होती है पेरी साइकिल, फिर जो मेन रीजन है अंदर उसमें जा रहा हूँ बेटा, यहाँ पर होंगे आपके क्या होंगे, फ्लोएम एंड जाइलम। जो जाइलम होता है बेटा आप जानते हो कैसा होगा जाइलम, याद आया कुछ? ये याद रखना है जो बिल्कुल सिंपल पूछेगा। यहां पर रेडियल वेस्कुलर बंडल होंगे, स्केटर्ड है, जो एक ही रेडियाई में नहीं होते, अलग अलग रेडियाई में हो गए। ये सारे काम की बातें हैं जो आपको याद भी होनी चाहिए। रेडियल हो गया, इसके अलावा जो जाइलम है, जाइलम देखो, जाइलम इस तरह से होगा, उसका जो प्रोटोजाइलम वाला पार्ट है वो आउटसाइड है, मेटाजाइलम इनसाइड है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा अपन? एग्जार्क। क्या बोलते हैं? एग्जार्क। यहां पर हर एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन बन रहा है बेटा। और नंबर कितना होता है? 2-4। जनरली कितना होता है? 2-4। दिखा भी रखे इन्होंने, कर लोगे, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये सारे किसके करेक्टर लिए हैं अपने? डाइकोट रूट के। बिल्कुल चीजें रिवाइज करवा रहा हूं बेटा और दिमाग में रखनी है। नीट का क्वेश्चन बड़ा इजी होगा, लेकिन इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अंदर देखो पिथ स्मॉल होती है यहां पर, ये क्या है? मेडुलरी रेज है। एंडोडर्मिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, फिजियोलॉजी से भी कनेक्ट करता है ये। एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं जो चेक पॉइंट का काम करती हैं, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, और वहां पर कुछ पासे सेल होती हैं जिनके थ्रू क्या होगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट आगे की तरफ हो जाएगा। एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट एंडोडर्मिस में आके क्या हो जाएगा, सिम्प्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारी कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, हर चीज को क्या करो, कनेक्ट करो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 156। मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, डोर्सी वेंट्रल लीफ स्टोमेटा अकर्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो डोर्सी वेंट्रल लीफ होती है बोले तो पृष्ठधारी, इस तरह से होंगे डोर्सी वेंट्रल। अब बताओ मुझे, जो लीफ की टीएस की जो स्ट्रक्चर आपने बनाई है, एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, ये हो गई आपकी एपिडर्मिस, सब पता है तुम्हें, ये है अपर और ये है लोअर एपिडर्मिस, इसको बोलते हैं एडेक्सियल और ये क्या हो जाएगी बेटा? एबेक्सियल। क्लियर? यहां पर पैलिसेड टिश्यू प्रेजेंट है और यहां इसके नीचे होती है आपकी स्पॉन्जी टिश्यूज, ये सेल्स हैं जो लूज होती हैं, इनके बीच में स्पेस भी प्रेजेंट है। ये कौन है?
पेलिसेट टिश्यू, ये स्पॉन्जी, और ये दोनों किसके पार्ट है? मीजोफिल के। किसके? मीजोफिल के। इसके अंदर भी आपके वेस्कुलर बंडल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो ये इस तरह से कनेक्ट है। थोड़ा मेन बात पे अपन चलते हैं, ये पेलिसेट हो गया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर स्टोमेटा कौन सी सतह पर पाए जाते हैं। बड़ा इजी है, क्लियर होना चाहिए आपका, स्टोमेटा दोनों पे है। लेकिन जो एबैक्सियल है, जो लोअर सरफेस है, वहां पर स्टोमेटा का नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है। ओके, यहां पर स्टोमेटा बहुत कम मिलते हैं, यहां पर स्टोमेटा का नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। तभी तो डोर्सी वेंट्रल है, ताकि स्टोमेटा के थ्रू जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस ज्यादा ना हो, तो वो नीचे वाली सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अब ये एक स्ट्रक्चर हो गई, आपको पता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, डोर्सी वेंट्रल लीफ स्टोमेटा आकर, तो सीधा किस पे जाओगे? ऊपरी सतह पर कुछ और निचली सतह पर क्या होंगे? अधिक होंगे। बिल्कुल सिंपल बात होगी। लेकिन अब इस टीएस को आप जोड़ो फिजियोलॉजी से, हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए। एनाटोमी आ गई, मॉर्फोलॉजी की बातें आ गई लीफ से रिलेटेड, इसके अलावा फिजियोलॉजी, ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर जो है वेपर की फॉर्म में क्या होगा? लॉस हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन। जैसे यहां पर वाटर की डेफिशिएंसी होगी, यहां से सेल से वाटर इधर क्या होगा बेटा? ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से जो जाइलम है वहां पर एक पुल जनरेट होता है, और उसी की वजह से क्या लगेगा? ट्रांसपिरेशनल पुल, नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, जिसकी वजह से एसेंट ऑफ सैप जो है वो एफिशिएंट हो पाता है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा, फिजियोलॉजी एनाटोमी आपस में बिल्कुल इंटरकनेक्टेड होते हैं। एनाटोमी के बिना फिजियोलॉजी अधूरी है, और फिजियोलॉजी के बिना एनाटोमी, और आपने दोनों चीजें अच्छे से रीड कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से क्रमशः अदरक, जमीकंद, प्याज में पाए जाते हैं? मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन एमटीआर होते हैं। तो देखो यहां पर एग्जाम्पल क्या दिए, जिंजर, जमीकंद एंड ऑनियन। सबको याद है बेटा, ऑनियन में क्या होता है? बल्ब होता है। जिंजर में क्या होता है? राइजोम होता है। जमीकंद जो है याद रखना, उसमें होगा कॉर्म। क्लियर, तो ये बिल्कुल सीधा हो गया, राइजोम, कॉर्म एंड बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अंगों का कौन सा समूह कोशिका के आवश्यक निर्माणकारी पदार्थों के निर्माण में भाग लेता है? अच्छा क्वेश्चन है, कभी सामने आया होगा, फिर इसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं, इधर उधर भी बातें कर लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो निर्माणकारी, जिनमें चीजों का संश्लेषण होता है, जो संश्लेषण में सहायक होता है, तो देखें एक बार ऑप्शन पे चलो, लाइसोसोम जो है संश्लेषण नहीं करेगा बेटा, वो तो डाइजेशन करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। वैक्यूल, आरईआर, एसईआर, वैक्यूल में नहीं होगा, स्टोरेज का काम करती है वो। राइबोसोम, आरईआर, एसईआर, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, आरईआर भी प्रोटीन संश्लेषण में क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। एसईआर लिपिड का संश्लेषण, तो सीधा आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। बेटा जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको एक बार वापस एक नजर मार लेना, उन पे उनकी स्ट्रक्चर जहां इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उनके जो फंक्शंस हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी से बाहर जाना नहीं है, एनसीईआरटी में जो भी स्टेटमेंट है उनको छोड़ना नहीं है। करेक्ट इनकरेक्ट पूछे, या डायरेक्ट फंक्शन पूछे, या स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन डिजाइन कर दे, तो बिल्कुल सिंपल आएगा, लेकिन एक बार वापस उनको रिवाइज कर लेना, और बिल्कुल सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन इज ट्रू फॉर द मीजोसोम? मीजोसोम अपने एक प्रोक्रियोटिक सेल से क्वेश्चन उठा लिया, क्योंकि आपके सेल के अंदर आपको पता है प्रोक्रियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों को मेंशन किया है। अब प्रोक्रियोटिक सेल से भी क्वेश्चन आते हैं और यूकैरियोट से आते हैं, चाहे वहां से दो दो क्वेश्चन आए, या हो सकता है रेशो चेंज हो जाए, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाएंगे। अभी देखो, ट्रू फॉर द मीजोसोम, अब मीजोसोम की बात आती है आपके दिमाग में, बेटा मीजोसोम पूरा आ जाना चाहिए कि हमने मीजोसोम के बारे में क्या पढ़ा है, उसके बाद ही तो आप स्टेटमेंट पे अटैक करोगे। आप स्टेटमेंट पे अटैक कर रहे हो और आपके दिमाग में मीजोसोम का कॉन्सेप्ट चल ही नहीं रहा, तो आप कैसे डिसाइड करोगे गलत है सही है? इसलिए पहले वो टॉपिक दिमाग में घूमे, उसके बाद ऑप्शन पे अटैक करो, बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। सब जानते हो बेटा बैक्टीरिया, ये बाहर सेल वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसका क्या हो जाता है बेटा? एक्सटेंशन हो जाता है अंदर की तरफ, और उससे जो संरचना बनी है उसी को बोलते हैं अपन मीजोसोम। और ये जो एक्सटेंशन होता है उसमें वेसिकल, लेमिल या ट्यूबुल्स की फॉर्म में ये बन सकती है, जो सेल मेम्ब्रेन का क्या है? अंतर वलन है, और ये विशिष्ट उपापचय क्रियाओं में भी भाग लेता है। अब बात करते हैं, दीज आर एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल एंड लेमिली, बिल्कुल सही बात है।
दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल। अब सुन लेना बेटा, मेजोसोम में गिने चुने तो कार्य दे रखे हैं, मेजोसोम के कार्य सीधा उंगुलियों पर रखो, कौन से कार्य होते हैं मेजोसोम के? श्वसन में सहायक, सेल वॉल निर्माण में सहायक, डीएनए रेप्लिकेशन में सहायक, जो डॉटर सेल है उनके डिस्ट्रीब्यूशन में सहायक, इसके अलावा सीक्रेशन में हेल्प करेगा, सरफेस एरिया क्या कर देगा बढ़ा देगा, एंजाइम कंटेंट भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन और देखते हैं, दे हेल्प इन, तो ये भी सही हो गया, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, सीक्रेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपने पूछा क्या है, ट्रू, तो ट्रू का मतलब क्या हो गया, सारे क्या हो गए बेटा, ट्रू हो गए, तो आंसर क्या चला जाएगा आपका, ऑल आर करेक्ट। सारी इंफॉर्मेशन इसीलिए ली है अपन ने कि एक बार मेजोसोम की सारी बातें कवर हो जाए, आने के चांस है, मेजोसोम से अच्छा क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। ओके, अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन बीच में रह गया था, इसको भी सॉल्व करा देता हूं ना, अपन 159 का क्वेश्चन स्किप हो गया था। अब देखो इसमें, निम्न में से गोल्जी उपकरण के संबंध में सही है, तो सीधी सी बात है बेटा, जो गोल्जी उपकरण है उससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में जो भी कॉन्सेप्ट है उनके एक बार अपन एक रिवीजन सा कर देते हैं, बात कर लेते हैं कि क्या बात पूछ रहा है ये। अब चलें इस पे देखें क्या कहना चाह रहा है। तो गोल्जी जो एपरेटस है उसके लिए करेक्ट कौन सा है वो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक समरी बता देता हूं ताकि गोल्जी बॉडी दिमाग में और क्लियर हो जाए। ये है न्यूक्लियस बेटा, और ये है ER, और इसी से गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर आप सबको मालूम है बेटा, ये है गोल्जी बॉडी। इसमें क्या है, बहुत सारी सिस्टर नहीं है जिनका नंबर वेरी कर सकता है, फिक्स नंबर नहीं होता। ये गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के दो फेस होते हैं, एक फेस जो ER की तरफ है, न्यूक्लियस की तरफ है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सिस फेस, और ये फेस जो अपोजिट साइड में इसको बोलते हैं अपन ट्रांस फेस, और भी नाम इनके सब मालूम आपको, सिस फेस को अपन बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, और ये ट्रांस फेस जो है वो कहलाता है मैच्यूरेशन, मैच्यूरिंग फेस, इसको बोलते हैं कॉनवेक्स फेस, और ये है कॉनकेव। ये बातें याद रखनी है आपको जो नाम दिए हैं उन्होंने। अब गोल्जी बॉडी पदार्थों को कहां से रिसीव करता है, ER से, SER या RER, प्रोटीन या लिपिड को क्या करेगा, रिसीव करेगा वेसिकल के फॉर्म में, कौन से फेस से, सिस फेस से। तो ये सारी बातें एनसीईआरटी में दी है, अब उसके अकॉर्डिंग देखो अब ये क्या कहना चाह रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, पजेस एंजाइम विच इज फंक्शनल एट द पीएच ऑफ 4.625, कोई इससे इसका कनेक्शन नहीं है, इसमें कोई ऐसे एंजाइम नहीं है जिनको एक्टिवेट करने के लिए आपको इतनी पीएच की आवश्यकता हो, गलत बात है। ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम ऑन द ER फ्यूज विद द ट्रांस फेस, ये कह रहा है कि राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा RER पे, वो प्रोटीन अब गोल्जी बॉडी के पास आएगी तो कौन से फेस से फ्यूज होगी पहले, तो अभी बताया मैंने बेटा सिस से होती है, इसने मेंशन क्या किया है ट्रांस, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द ER, बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, जो सिस फेस है वो ER के क्लोज एसोसिएशन में है, उसकी तरफ होता है, उसके पास होता है, क्योंकि उसको पदार्थों को क्या करना है, ग्रहण करना है। ओके, इट पजेस ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो बेटा ये इसमें थोड़े ना होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, लेनकाई में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में, ये भी अपने आप में एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कर लोगे, अब वापस चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 161 पे आ जाते हैं। ये देखें बेटा क्वेश्चन, थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है इसलिए बात करना जरूरी है, इन चीजों को एक बार वापस से रिवाइज करवा देते हैं, देखो सिंपल भी है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान रहे बेटा आपको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको सेलेक्ट करना है, आपकी एनसीईआरटी के कुछ स्टेटमेंट अपन ने पिक किए हैं। पहला स्टेटमेंट देखें, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेस चेंज द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंसर्शन और डिलीशन। मैं फिर कह रहा हूं बेटा बहुत ध्यान से सुनना है, कुछ चीजें हैं जो आपको हो सकता है एनसीईआरटी की चीजें वापस रिफ्रेश करवा दें, है एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट अपने उठाया, किससे, म्यूटेशन वाले पार्ट से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये तो मालूम होना चाहिए ना कि क्वेश्चन कौन सी यूनिट से है, कौन से चैप्टर से है, तभी आपका दिमाग उस पर अटैक कर पाएगा। तो बताना बेटा, जैसे यही मैं थोड़ा समझा देता हूं इसको, कि ये एमआरएनए है,
या डीएनए जो है वो एमआरएनए में कन्वर्ट होने वाला है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या है, बेस सीक्वेंस है, जो कॉपी होगा एमआरएनए के फॉर्म में आ जाएगा। तो बताओ मुझे, अगर इस डीएनए में कोई म्यूटेशन हो जाए, जानते हो आप म्यूटेशन बेटा कई प्रकार के होते हैं, अगर यहां पर कोई एक न्यूक्लियोटाइड बीच में जाके लाइगेट हो जाए, बीच में इंसर्ट हो जाए, तो आप जानते हो बेटा कोडोन तीन तीन के सेट में होते हैं, जहां लाइगेशन हुआ है उसके आगे कोडिंग फ्रेम क्या हो जाएगी, पूरी चेंज हो जाएगी। या तो एक लाइगेट कर दो, इंसर्ट कर दो, या एक डिलीट कर दो, आगे पूरी फ्रेम क्या होगी, चेंज होगी। दो इंसर्ट करो या डिलीट करो, आगे पूरी फ्रेम क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि कोडोन ट्रिपलेट में है, सारे ओवरलैप कर जाएंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है मेरी, ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। तो इसने स्टेटमेंट क्या दिया है, एक या दो क्षारों के निवेशन या विलोपन से, निवेशन या विलोपन बिंदु के पढ़ने के प्राधार में परिवर्तन आ जाएगा, पक्का आएगा। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है समझाने के लिए, राम हैज कैप, राम हैज रेड कैप, आर ई डी एड कर रहा है, डिलीट करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को भूल मत जाना बेटा, वहां कैसे अटैक कर सकता है वो। तो बिल्कुल बात क्या हो गई, सही है। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ थ्री और इट्स मल्टीपल बेसेस, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बेटा। अगर आपने तीन न्यूक्लियोटाइड एक साथ इंसर्ट कर दिए कहीं बीच में, या तीन न्यूक्लियोटाइड क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, तो अगर तीन न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट और डिलीट कर दिए, तो आगे की फ्रेम में कोई चेंज नहीं आएगा, वो फ्रेम सेम रहेगी, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन या तो लैक हो जाएगी, एक अमीनो एसिड या फिर नया अमीनो एसिड आ जाएगा, लेकिन आगे रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी, बिल्कुल सही है। अब अगले स्टेटमेंट में चलते हैं, देखो क्या है, कहां से ये स्टेटमेंट लिया गया है, आपको पहचानना पड़ेगा। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड एंड स्टेन लाइट एंड आर रिफर टू यू क्रोमेटिन। बड़ा सिंपल है, आप पढ़ते ही आपको क्लिक कर गया होगा। यू क्रोमेटिन कौन होता है, जो लूजली पैक्ड है और लाइटली स्टेंड है, हल्का विरंजित होता है, और हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक है, डेंसली स्टेंड होगा, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन। देखें आगे इसने लिखा है, द क्रोमेटिन दैट मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेंड डार्क कोल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। हिंदी भी पढ़ लें आप, बिल्कुल सही, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जो काफी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं और गाढ़े रंग के दिखाई पड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। मोलिकुलर बायोलॉजी वहां क्रोमेटिन में ये पॉइंट दे रखा है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन बेटा आपको तो इनकरेक्ट छांटना था। अब सीधी सी बात है, जिसको कॉन्फिडेंस होता है कि एक दो तीन, ये तीनों स्टेटमेंट मेरे को पूरा विश्वास से करेक्ट है, तो वो कभी समय खराब नहीं करेगा, वो सीधा आंसर करेगा फोर्थ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है इनमें मुझे डाउट हो, तो फोर्थ स्टेटमेंट को रीड करके ही आप आंसर देना, जल्दीबाजी नहीं करनी है बेटा। क्या बोला है फोर्थ में ओसवाल्ड, ये याद है बेटा, एवरी मैकलियोड मैकार्टी, ये साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया था, और उन्होंने जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को आगे क्या किया, उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है उसका बायोकेमिकल एनालिसिस किया, कि वो जो रूपांतरणीय कारक है वो होता कौन है, क्योंकि ग्रिफिथ ये नहीं बता पाया था कि रूपांतरण के लिए रूपांतरणीय कारक होता कौन है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। उसकी व्याख्या किसने की थी सबसे पहले, एवरी मैकलियोड एंड मैककार्टी ने। अच्छा क्वेश्चन डिजाइन होता है बेटा, यहां अटैक कर सकता है। अब क्या कह रहा है ये, कि इन्होंने बताया कि प्रोटीन पाचक एंजाइम बोले तो प्रोटीएज, और आरएनए पाचक एंजाइम बोले तो आरएनएज रूपांतरण को प्रभावित करते हैं। स्टेटमेंट पे जाना बेटा, ये गलत बात होगी बेटा, ये रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते हैं। अगर आपने इन दोनों एंजाइम को काम में लिया, तो रूपांतरण प्रभावित नहीं होगा, रूपांतरण होता है, क्योंकि रूपांतरण को प्रभावित तो कौन करेगा बेटा, बहुत दिमाग लगाना इस स्टेटमेंट पे, उसको प्रभावित करता है डीएनएज। कौन करता है, डीएनएज, क्योंकि जैसे आप डीएनएज ऐड कर दोगे हीट किल्ड एस स्टेन वाले बैक्टीरिया के अंदर, तो डीएनएज क्या करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, और डीएनए डाइजेस्ट होने के बाद जब उन्होंने देखा, इसको चेक किया, रूपांतरण करवा के देखा, तो फिर रूपांतरण नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या क्लियर हुआ, कि डीएनए कौन है, रूपांतरणीय कारक है, प्रोटीन और आरएनए रूपांतरणीय कारक नहीं होते। तो इन्होंने ये देखो क्या लिखा है, रूपांतरण को प्रभावित करते हैं, गलत बात है, प्रभावित नहीं करते हैं। तो यहां स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ये है बेटा सोचने वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट आते हैं और इससे पता नहीं क्या क्वेश्चन डिजाइन कर दे, इसलिए इन चीजों को वापस एक बार रिफ्रेश भी कर लेना। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162। निम्न में से कौन से समूह में सभी पॉलीसेकेराइड हैं, बायोमोलिकुलर का क्वेश्चन हो गया, अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, एक दो क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। तो पॉलीसेकेराइड की बात करें, तो आपकी एनसीईआरटी ने जो पॉलीसेकेराइड दिए हैं ना बेटा, उनको याद रखो, कितने पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल हैं जो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में दिए हैं, बताना जरा बेटा।
सेलुलोज याद आया, इसके अलावा काइटीन, दो दो बातें बता रहा हूं सुन लो, सुन के छोड़ दो बस हो जाएगा रिवीजन नहीं, इसके अलावा इनुलिन, वापस बता देते हैं, सेलुलोज काइटीन इनुलिन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये पांच एग्जांपल है, पता नहीं इनमें किससे वो क्वेश्चन डिजाइन कर दे, अपने को थोड़ा ना मालूम है, लेकिन करेगा इन्हीं से करेगा। सेलुलोज ग्लूकोज का संबहुलक होता है, होमोपोलीमर ऑफ ग्लूकोज, काइटीन नाग का संबहुलक होता है, बेटा छोड़ मत देना इनको क्वेश्चन आते हैं इनसे, नाग का क्या ये संबहुलक होमो पॉलीसेक्राइड है। इनुलिन फ्रक्टोज का संबहुलक होता है, किसका, फ्रक्टोज का, मालूम है ना इनुलिन बेटा, शॉर्ट पॉलीसेक्राइड, इसमें लगभग 15 फ्रक्टोज इकाइयां होती है, इसलिए अपवाद स्वरूप जो इनुलिन होता है ये सोल्यूबल और स्वाद में मीठा होता है, तभी इनुलिन का उपयोग किसमें किया जाता है, GFR में, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट को ज्ञात करने में, किडनी की जो फिल्ट्रेट रेट उसको ज्ञात करने में किसका उपयोग करते हैं अपन, इनुलिन का उपयोग करते हैं। स्टार्च ये तो बहुत अच्छे से मालूम है, स्टार्च पादपों में संग्रहित भोजन होता है, स्टोर फूड इन द प्लांट्स, और ये ग्लूकोज का क्या है, पॉलीमर है। ग्लाइकोजन अपने अंदर एनिमल में, ये भी क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। थोड़ा केमिस्ट्री में जाओगे तो सेलुलोज में होती है बीटा ग्लूकोज, कौन सी होती है सेलुलोज में, बीटा ग्लूकोज, और इनमें होती है अल्फा ग्लूकोज, याद करो बेटा सेलुलोज शाखित नहीं होता है, लेकिन जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है वो क्या है, शाखित है, वो ब्रांच्ड है, उनमें ब्रांचिंग होती है, क्योंकि इनमें क्या है एमाइलोपेक्टिन भी पाया जाता है, एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है, इसलिए ये आयोडीन टेस्ट देते हैं, लेकिन सेलुलोज आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। स्टार्च आयोडीन टेस्ट पे ब्लू कलर देगा और ग्लाइकोजन रेड कलर देगा, तभी तो आप जब फोटोसिंथेसिस होता है तो स्टार्च का ही टेस्ट करते हो कि प्रकाश संश्लेषण हुआ या नहीं हुआ, आयोडीन टेस्ट कर लो मालूम चल जाता है, कर लोगे, ये स्टेटमेंट है, दिमाग में थोड़ा इनको घुमा लो ताकि अपन एग्जाम हॉल में भूले ना, क्लियर। तो यहां पर जाओ आंसर पे, हो गया होगा आंसर, तो पॉलीसेक्राइड ग्लाइकोजन, ये रहा ग्लाइकोजन, सेलुलोज और स्टार्च, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। देखो इधर ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड, माल्टोज डाइसेक्राइड, लैक्टोज डाइसेक्राइड, फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड, ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड, सुक्रोज डाइसेक्राइड, माल्टोज डाइसेक्राइड, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माल्टोज छोड़ मत देना इनको, क्वेश्चन आते हैं पक्का इनसे, लैक्टोज और सुक्रोज, अभी करवा देता हूं, दो मिनट की कहानी है बेटा, जब सुन ही रहे हो तो क्यों ना अच्छे से सुन लो ताकि रिवीजन एक अच्छा हो जाए। माल्टोज ग्लूकोज का डाइसेक्राइड, दो ग्लूकोज इकाइयां होती हैं, लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज का बना होता है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, क्या है ये, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, यही तो है सुक्रोज जिसको अपन काम में लेते हैं जनरली, बोले तो टेबल शुगर, केन शुगर, इसी को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, लैक्टोज उसको बोलते हैं मिल्क शुगर, क्योंकि ये मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, याद करो लैक्टोज, लैकोपेरोन, लैकोपेरोन में आपने लैक्टोज का ही क्या किया था, जल अपघटन किया था, तभी क्या प्राप्त होगा उसको, ग्लूकोज, और वो बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करेगा और सर्वाइव करेगा, ठीक है, काफी बातें हो गई, बहुत है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 163 से चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया 163, ट्राइग्लिसराइड के एक अणु का उत्पादन किससे होता है, बहुत पेटेंट क्वेश्चन है बेटा, सबको याद है, मुझे पता है, मालूम है तुम्हें, आता है ये, लेकिन कुछ बात करें अपन, ट्राइग्लिसराइड ये लिपिड के क्या है, टाइप है, ट्राइग्लिसराइड का मतलब होता है बेटा एक ग्लिसरॉल और इसमें तीन क्या होंगे, फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड से क्या बनता है, ट्राइग्लिसराइड, मैं जो बोल रहा हूं सुनते जाना बेटा, ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसमें तीन फैटी एसिड है और एक ग्लिसरॉल है, ठीक है, अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसके दो रूप हो सकते हैं बेटा, फैट और ऑयल, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने डिजाइन नहीं किया, लेकिन मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना आपको, अब लिमिट है आपको, तो इतने क्वेश्चन करने पड़ेंगे पेपर में, लिमिट होती है क्वेश्चन की, लेकिन दो तीन बातें सुनो, फैट और ऑयल, बेटा फैट और ऑयल क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, फैट वो होंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, कम होता है, इसलिए फैट
रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और ऑयल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर तरल प्रावस्था में होता है। इसका कारण और सुनो, फैट के अंदर संतृप्त वसी अम्ल ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए ये तरल है और ये सॉलिड किस पे? रूम टेम्परेचर पर। ये दो बातें याद रखनी, आएगा तो ये आएगा। फिर इसमें दो एग्जाम्पल और दे रखे, उनको भी याद करके जाना है बेटा। जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का एग्जाम्पल एक तो याद रखना है बेटा पामेटिक एसिड, और अनसैचुरेटेड में एराकिडोनिक एसिड। बोल रहा हूं याद करो, क्योंकि आप हर चीज तुम पढ़ के आयो। पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं और एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं। ये अनसैचुरेटेड है कि उसके हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब ये चीजें याद करो बेटा, आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुनो इनको ताकि कोई चीज दिमाग से स्लिप ना हो जाए। तो इसका आंसर तो बताओ मुझे, वन मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड, तो क्या बोलोगे? 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल, आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। अगर वो बोल देता डाइग्लिसराइड 1 ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड, वो बोल देता मोनोग्लिसराइड 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना। ओके चलें आगे, 164 पे चलें। ये लो, द रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। एक क्वेश्चन देना तो एक बहाना है, आपको बहुत कुछ समझाना है। अब बताओ मुझे बेटा, आरएनए पॉलीमरेज कब काम करेगा? जब उसको ट्रांसक्रिप्शन करना है। ट्रांसक्रिप्शन तभी होगा जब डीएनए में ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होंगी। मालूम है सबको बेटा, अच्छे बच्चे, वो प्रमोटर है, इनिशिएशन रीजन है, ये सिस्ट्रोन है और ये टर्मिनेटर है। तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पे बाइंड होगा तभी तो ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज को बंधने के लिए जगह कौन देता है? प्रमोटर। यहां पर कौन आके बाइंड होगा? आरएनए पॉलीमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा। ये जो सिस्ट्रोन है उसके अंदर जो दो स्ट्रैंड है, एक टेम्पलेट है, एक कोडिंग है। टेम्पलेट कौन सी होगी? जिसकी दिशा 3 से 5, उसके पूरक क्या बना देगा? ये आरएनए का निर्माण कर देगा। यही आपका अनुलेखन है। अनुलेखन से क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखना। और सब जानते हो जब अनुलेखन होता है तो इन दोनों रज्जुओं को सेपरेट कौन करता है? याद रखना बेटा, इन दोनों रज्जुओं को सेपरेट अनुलेखन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज खुद ही करता है। यहां पर हेलिकेज का कोई काम नहीं है। लेकिन जब रेप्लिकेशन करना होता है तो दोनों रज्जुओं को अलग करने के लिए कौन आएगा? डीएनए हेलिकेज। लेकिन यहां कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज खुद ही अनवाइंडिंग करेगा और खुद ही क्या कर रहा है, फिर आगे इलोंगेशन करता हुआ जाएगा। ओके, ये अनुलेखन इकाइयां होगी, प्रमोटर, सिस्ट्रोन एंड टर्मिनेटर। सिस्ट्रोन में सूचनाएं हैं, टर्मिनेटर समापन में सहायक होगा, प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज को बंधन स्थल प्रदान करेगा। दिमाग में रखना इस कॉन्सेप्ट को, अनुलेखन, अनुलेखन इकाइयां, कहां से क्या क्वेश्चन पूछता है अनुलेखन। अभी सुन लो, इनिशिएशन फैक्टर कौन होता है? सिग्मा प्रोटीन होती है, सिग्मा फैक्टर। और जो टर्मिनेशन फैक्टर है वो कौन है? रो प्रोटीन है, इसको रो फैक्टर बोलते हैं, जो टर्मिनेशन में सहायक हो। इनिशिएशन में कौन? सिग्मा। इसके अलावा कोई बात नहीं करेगा बेटा, इनको उंगलियों पे रखो। चलो आगे, अब 165 देखते हैं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। डेफिशियंसी सिम्टम ऑफ द नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन, बिल्कुल फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर नाइट्रोजन पोटेशियम की डेफिशियंसी हो गई, सब मालूम है तुम्हें, अगर डेफिशियंसी हो गई तो क्या होगा? दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। डेफिशियंसी होते ही ये जो आपकी सेनिसेंट लीव्स हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा? मोबाइल है। ये क्या है? याद रखना, मोबाइल। सेनिसेंट जो लीव्स हैं उनसे इनको अपन क्या करेंगे, यंग लीफ की ओर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं प्लांट में। प्लांट खुद ही करेगा ट्रांसफर। तो बताओ, डेफिशिएंसी हो गई तो पहले सिम्टम किस में आएंगे? सेनिसेंट लीव्स में आएंगे, क्योंकि ये मोबाइल है। अगर ये इमोबाइल होते, क्या होते? इमोबाइल। ये नहीं है, इमोबाइल वाले अगर होते तो पहले लक्षण किस में दिखाई देते? यंग लीव्स में। लेकिन ये मोबाइल है तो पहले लक्षण किस में देंगे? सेनिसेंट लीव्स में। तुम्हारी एनसीईआरटी के दो पॉइंट है ये, कि मोबाइल होंगे तो क्या केस होगा, इमोबाइल होंगे तो क्या केस होगा। ओके, तो आंसर क्या जाएगा आपका? सेनिसेंट लीव्स। अच्छा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखना आपको। ओके, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन हो गया? 166, 165 हो गया था, आगे चलो। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166। देखें, बिल्कुल
सिंपल क्वेश्चन बनाए ताकि एक बार दिमाग में आपकी डेटा वगैरह फिक्स हो जाए. ड्यूरिंग अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल N2 फिक्सेशन की बात कर रहे हैं, सीधा इक्वेशन याद होनी चाहिए बेटा आपको, सबको मालूम है N2 प्लस 16 ATP प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन. बताना क्या होगा, N2 का रिडक्शन करवाना है बेटा. नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो अमोनिया है एटमोस्फेरिक अमोनिया, उसका क्या करवा रहे हो, रिडक्शन. तो बताना रिजल्ट क्या होगा, NH3, लेकिन दो मॉलिक्यूल होंगे, दो नाइट्रोजन है दो अमोनिया की मॉलिक्यूल बन जाएंगे, प्लस 16 ADP प्लस IP 16 ही होंगे और प्लस H2. देखें ध्यान से बेटा, अमोनिया 3 × 2 = 6, 6 हाइड्रोजन आ गई, 2 H2 रिलीज होएंगे. और ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा पहले भी, दिमाग लगाएगा वो. अब यहाँ पर ATP की बात की है तो एक अमोनिया के लिए बताओ, एक दो अमोनिया बने 16 ATP, एक अमोनिया के लिए कितनी 8 ATP बोल दोगे. या ऐसे बोल दे, एक N2 मॉलिक्यूल को अगर आपको रिड्यूस करना है तो कितने ATP 16, अगर एक अमोनिया बनाना है तो 8, एक अमोनिया दो बनेंगे 16, और एक अमोनिया के लिए कितने काम आ रहे हैं 8 काम आ रहे हैं. तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहां पर, 8 ATP. ठीक है, कर लोगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं लेकिन डेटा बेस्ड बातें हैं सारी. अब चलते हैं 167, देखें इसको. डायग्राम ले लिया अपन ने, आपको मालूम है इतने क्वेश्चन बेटा आप रिवाइज कर चुके हो इतने वीडियो के माध्यम से, आपको सोचो लगभग 12,000 क्वेश्चन आप रिवाइज कर चुके हो बेटा. अब बचा क्या है, अब बचा कुछ नहीं है, जो आपने गेन किया है ना उसी को अब आपको काम में लेना है, बस उसका उपयोग करना है बेटा आपको. इतना रिविजन करने के बाद, इतने प्रैक्टिस करने के बाद अगर इसको आप यूज नहीं कर पा रहे हो तो फिर फायदा क्या हुआ. इसलिए उन चीजों को बार बार इतना स्ट्रॉन्ग करो, रिवाइज और कर लो, अभी थोड़ा सा वक्त बचा है बेटा, हो गया टाइम. माइंड को भी फ्रेश रखना है, नया कुछ नहीं पढ़ना. अब आपको लगे कि हाँ देखो ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है थोड़ा सा वीक था, एक बार देख लो, एक नजर मार लो उस पर, दिमाग खराब नहीं करना बेटा अपना खुद का. ठीक है, तो ए और बी को पहचानिए इसमें. डायग्राम सबको याद है बेटा, यहां पर देखो ए, ये कौन है, ATP सिंथेज का स्ट्रक्चर है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड बोले तो इधर क्या है बेटा PMS, और इधर कौन है मैट्रिक्स है. क्लियर, अब देखें यहां पर ए और बी दो भाग होते हैं, ये ए जो है वो FO है और ये क्या है बेटा F1. इस ATP सिंथेस को याद रखना बेटा, ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑक्सीसोम, और ATP सिंथेस के नाम से जानते हैं. और यही कौन है, ये कॉम्प्लेक्स 4 होता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में. ये कौन है कॉम्प्लेक्स, सॉरी 4 नहीं कॉम्प्लेक्स 5th होता है. ओके, देखो ऐसे मिस्टेक हो सकती है, कॉम्प्लेक्स 5th, 1, 2, 3, 4, 5th वाला कॉम्प्लेक्स कौन कहलाता है ATP सिंथेज. कर लोगे, तो इसमें पूछा है जो, तो हो गया ना FO F1, A क्या है FO और B क्या है F1. प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होगा इधर जैसे जाएगा, इधर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा ATP का निर्माण. इसमें एक्टिव साइट होती है, स्फेरिकल पार्ट होता है, ये मेम्ब्रेन के अंदर दसा हुआ होता है. बस इतनी बातें करनी है इसकी, ये कहां कहां प्रेजेंट होता है सुन लेना बेटा ध्यान से. ATP सिंथेज आपको कहां कहां मिलेगा, जीवाणु में अगर है तो उसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक झिल्ली में बोले तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और अगर ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में तो उसकी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में है, कहां पे है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, और जहां ये होगा वहां ATP का क्या होगा संश्लेषण होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोलॉजी का क्वेश्चन आ गया. देखो बात करें फिजियोलॉजी की, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा अम्लों का अपापचय विघटन किसके माध्यम से जुड़ा होता है, बहुत पेटेंट क्वेश्चन है इसलिए डाला गया ये, दिमाग से निकल ना जाए. देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन मुख्य जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है, जो मोस्ट प्रिफर्ड है वो कार्बोहाइड्रेट है, सब जानते हो. उसके बाद किसका नंबर आता है, लिपिड का, फिर प्रोटीन का, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है लिपिड, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट. ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए बेटा. कार्बोहाइड्रेट का जैसे आप श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन में ले जाते हैं, सब मालूम है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, पाइरुविक एसिड बनेगा, लिंक रिएक्शन होगी, स्टाइलकोएंजाइम में बनेगा, क्रैब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगा बाद में ETS. तो फाइनली बताओ पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में. एक बार मैं रफली बता रहा हूं, आप मेरी लैंग्वेज को ही पकड़ पा रहे हो मुझे पता है, समझ जाओगे इससे. लिपिड की बात करें तो लिपिड जो है उसमें पहले फैटी एसिड अलग होगा और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जो एंट्री मारेगा किसमें, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में, PGL वगैरह में,
कन्वर्ट हो जाएगा, और फैटी एसिड कन्वर्ट होता है बेटा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, उसके बाद में एंटर हो जाएगा। प्रोटीन अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड पाइरुविक एसिड, और फाइनली क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां बात क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड वसा, तो बताओ यहां पर विघटन किसके माध्यम से जुड़ा है, कॉमन कौन आएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, आंसर क्या हो जाएगा आपका, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। 169 अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट को अपन ने डिजाइन किया है यहां पर। रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इज गिवन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज टू एटमोस्फियर, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाई RUBP इन C3 प्लांट, द फर्स्ट रेडियो एक्टिव कार्बन इज सीन विच कंपाउंड इज, बड़ा सिंपल है, लैंग्वेज पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, आपने रेडियो एक्टिव कार्बन इनकॉर्पोरेट की, CO2 की फॉर्म में दे दिया आपने, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, केल्विन साइकिल चल रहा है, तो बताना केल्विन साइकिल जब चलेगा तो CO2 का यूज उसी में है, CO2, RUBP जो है वो क्या होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, याद है आपको, RUBP राइबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट राइबुलोज, क्या होती है बेटा, कीटोन सुगर होती है, क्या होती है, कीटो, कीटो पेंटोज होता है, ये क्या होता है, दे रखा है वहां पर, ये याद रखने, बाइमोल से कनेक्ट हो गया, क्या होगा ये किसके साथ, कंबाइंड हो जाएगी, कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो यहां पर बनता है PGA जिसमें तीन कार्बन होते हैं और ये दो मॉलिक्यूल बनेंगे, और इसमें कितने थे, पांच कार्बन, ये एक कार्बन, पांच और छह कितने हो गए, दो मॉलिक्यूल हो गए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। तो अब पूछा गया है सर्वप्रथम रेडियोएक्टिव कार्बन कौन से यौगिक में देखी जाती है, तो सबसे पहले कौन बनेगा, इनका रिजल्ट क्या होगा, PGA, तो PGA में जो कार्बन है वो क्या होंगे, रेडियो एक्टिव, तो सीधा आंसर करो ना, कहां है PGA, ये रहा PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो केल्विन चक्र का प्रथम क्या होता है, स्थायी उत्पाद होता है। एक क्वेश्चन अच्छे है बेटा, C3 साइकिल में फर्स्ट प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, RUBP, और C4 साइकिल में घुस जाए वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर बोल दे तो कौन होता है, PEP, C4 साइकिल में प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट कौन बनता है, वहां पर सबसे पहले वहां बनता है ऑक्सलेसिटिक एसिड, चार कार्बन वाला, और यहां पर कौन है, तीन कार्बन वाला, सब पिक्चर दिमाग में सेट करके जाना बेटा, ओके। तो ये बात हो गई, बड़ी सिंपल थी, आगे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ द पोलन ग्रेन, एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन है बेटा, अच्छे क्वेश्चन आते हैं एम्ब्रियोलॉजी से, वापस एक बार डायग्राम वगैरह जो दे रखे उसमें सब पे नजर मार लेना, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन, बहुत सिंपल है, एक्सपोज्ड स्टामेन, फेदरी स्टिग्मा, फेदर लाइक होगी बोले तो पंख युक्त होती है, ड्राई एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जो चिपचिपे नहीं है, ड्राई है और नॉन स्टिकी है, तो बताओ ये किसके लिए है, ये परागण किससे संबंधित होगा, इसका मतलब वायु परागण होगा, कीट वाला होता तो आपको मालूम बेटा स्टिकी होने चाहिए थे, मेरी बात समझ में आ रही है, तो उपरोक्त जो लक्षण है वो किससे रिलेटेड है बताओ, किसके द्वारा होगा, अगर ऐसे करेक्टर है कि लार्ज अमाउंट है, स्टामिन जो है वो एक्सपोज्ड है, फेदरी है, तो ऑब्वियसली किस पे जा रहा है वो, एनिमोफिली, ये जूफिली है, एंटोमफिली है, ये भी याद रखना है, जूफिली क्या होती है ये पूछ लेते हैं नीट में बेटा, एंटोमफिली इनका डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका, वायु परागण, तो वायु परागित जो परागण होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी आपको मिलेंगी, या उस पुष्प के अंदर ये प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, परागण एक बार वापस से रीड कर लेना, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं परागण से, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पोलन मदर सेल देयर अकर्स, अरे बेटा जब मेल गैमेटोफाइट बनता है किससे, पोलन मदर सेल, ये रही PMC, पोलन मदर सेल 2N होती है, इसमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन, ये क्या है बेटा, मियोसिस हो गया, ये क्या बन गए, चार माइक्रो स्पोर बन गए, अब एक माइक्रो स्पोर ले जाएं आगे, इसको डेवलप करना है किसमें, मेल गैमेटोफाइट बोले तो पोलन ग्रेन, तो इसमें क्या होगा, एक डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, तो इसमें दो सेल स्टेज आ जाएगी, ये वाली, ये लार्ज सेल, ये स्मॉल सेल, वेजिटेटिव सेल और ये जनरेटिव सेल, फिर उसके बाद में जब ये मैच्योर होता है कंप्लीटली, उसके बाद में इस जनरेटिव सेल में फिर से डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन, दो मेल गैमेट का निर्माण हो जाता है, ये सब मालूम है आपको, तो आप सीधा काउंट करो ना डिवीजन, एक मियोटिक डिवीजन और आगे दो माइटोटिक डिवीजन, ये रहा वन मियोटिक डिवीजन एंड टू माइटोटिक डिवीजन, कितने होंगे, एक तो मियोटिक डिवीजन और दो माइटोटिक डिवीजन, तब जाके क्या होगा, मैच्योर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो पाएगा।
ओके हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, अच्छा कॉन्सेप्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, कौन सा गलत मिलान है। मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, ध्यान रखना, और मैचिंग वाले बहुत आसान होते हैं, उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैचिंग वाले में बिल्कुल डायरेक्ट उसी पे अटैक करो जिससे डायरेक्ट पता लग रहा है कि इससे ही आपका आंसर आ रहा है, तो समय खराब नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है और बहुत आसान होता है। एस्ट्रोबैक्टर एसिटाई एस्ट्रिक एसिड का निर्माण कर, रोम को आपको सेलेक्ट करना है, ये सही है बेटा। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, अरे यही गलत हो गया है तो सबको मालूम बेटा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड तो लैक्टोबैसिलस से बनता है। एस्परजिलस नाइगर क्या प्रोड्यूस करता है, सिट्रिक एसिड, बिल्कुल सही है। ईस्ट स्टेटिन, ये सारे याद रखना बेटा, ये एग्जांपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं इनसे। स्टेटिन जानते हो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, जिसको अपन किससे प्राप्त करते हैं, मोनस्कस परप्यूरियस से। जो मोनस्कस परप्यूरियस है वो क्या होती है, ईस्ट होती है। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, जिसको किससे प्राप्त किया जाता है, किससे, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, वो क्या है, फंगस है। ये क्या है, मोनस्कस परप्यूरियस, फंगस ही है लेकिन ईस्ट का एग्जांपल हो गया। तो ये कर लोगे अच्छे से, इनको कवर करना बेटा, एग्जांपल वाले डायरेक्ट आते हैं, कभी पता लगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के चक्कर में रह जाओ और ये रटने वाले क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो जाए। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173। देखो ये प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल अपन ने लिए हैं, जो टेबल दे रखी है आपकी 9.12, तो उन टेबल में जो एग्जाम्पल दिए उनको एक बार वापस से आप देख लेना बेटा, एक नजर मार लेना, ताकि इनसे कोई क्वेश्चन आए तो मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछेगा, तो मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछेगा, जो कर लोगे आप आराम से। तो इसमें मिस मैच को आपको सेलेक्ट करना है बेटा। पूसा स्वर्णिम व्हाइट रस्ट के लिए क्या है, ये रेजिस्टेंट है, बिल्कुल सही है। पूसा कोमल चिल्ली मोजेक वायरस, ये गलत हो गया बेटा, पूसा जो कोमल जो वैरायटी है वो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है। इन्होंने मेंशन किया है चिली मोजेक वायरस के लिए, तो ये मिसमैच्ड हो गया। हिमगिरी लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, बिल्कुल सही मैच है। पूसा सदाबहार टोबैको मोजेक वायरस के लिए क्या, रेजिस्टेंट है। तो थोड़े से रटने के हैं, एक बार इनके ऊपर भी नजर मार लेना ताकि ये दिमाग में रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट 174 पे। 174 में देखें क्या कॉन्सेप्ट है। Which of the following is not a step of gel electrophoresis? Gel electrophoresis पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है, उससे दो चार क्वेश्चन जो बनते हैं छोड़ने नहीं हैं। तो gel electrophoresis की बात सुन लो बेटा, सब मालूम है तुम्हें, एक बार फिर से ये लो, तीन पॉइंट मेरे साथ रिवाइज कर लो। ये वेल हो गया, सैंपल आपने ऐड कर दिया, डीएनए को डाइजेस्ट करवाया आरी से, बताओ अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग क्या बन जाएंगे, बैंड बन जाएंगे। अब ये जो बैंड सेपरेट है उनको देखना है आपको, तो डाई डालनी पड़ेगी इथिडियम ब्रोमाइड, लेकिन उसके बाद आपके को इसको यूवी से ट्रीट करवाना होगा। जैसे यूवी रेडिएशन डालोगे तो ये जो डीएनए पट्टियां हैं ये ब्राइट ऑरेंज की आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, चमकीली नारंगी। ओके तो देखते हैं इसमें, नोट ए स्टेप, जो गलत है उसको आपको सेलेक्ट करना है, जो स्टेप नहीं। सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल, सही है, चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल है वो सेपरेट हो रहे हैं यहां पर। Use of UV rays to expose DNA segment without staining, गलत हो गया बेटा, with staining, staining करवाने के बाद ही UV काम में लेंगे। तो आपका आंसर तो यही हो गया, फिर भी देखें, डेवलपिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। यूज ऑफ एग्रोजेल, एग्रोजेल यूज करते हैं अपन, बिल्कुल अच्छा पॉइंट, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ओके अब 175, ठीक है। फंक्शनल सी डी एन ए ऑफ ए डी एन ए कैन इंट्रोड्यूस्ड, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखो क्वेश्चन अपन ने वो सेलेक्ट किए हैं जिनके एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा हैं और उनसे रिलेटेड वो टॉपिक बार बार पूछता है, तो इसके आसपास की बातें कर लेंगे। तो बताओ अगर आपको ए डी ए सी डी एन ए को एंटर करवाना है किसमें, अरे किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन, स्किड पढ़ा है ना, स्किड का उपचार करते हैं अपन, जो रोगी है उसके शरीर में अपन क्या करते हैं, नॉर्मल जीन डालते हैं, तो वाहक की बात कर रहे हैं, तो बताओ उसमें वेक्टर कौन सा काम में लेते हैं। सबको याद है बेटा, अगर आपको एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर करना है तो वेक्टर कौन सा काम में लिया जाता है, रेट्रोवायरस, और अगर प्लांट सेल में जीन को ट्रांसफर करना है तो वेक्टर कौन सा काम में लेते हैं, एग्रोबैक्टीरियम टू मी फेसियन। तो इसके अकॉर्डिंग बताओ, यूजिंग वेक्टर सीधा बोलेंगे रेट्रोवायरस, पश्च विषाणु बोले तो रेट्रोवायरस। चलो यही दो बातें और बताता हूं,
अगर आपको प्लांट सेल में ये काम करवाना होता, प्लांट सेल में कोई जीन डालनी है तो आंसर क्या जाता, एग्रोबैक्टीरियम, कौन सा। और अगर आपको बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर करना है तो वेक्टर अपन काम में ले सकते हैं प्लाज्मिड, जैसे PBR322 है, बैक्टीरियोफेज है, कोजमिड है, फेजमिड है, बैक है, उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, कर लोगे। 170 पे चले, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये कुछ एग्जांपल है, बिल्कुल याद रख लेना बेटा। फॉलोइंग क्राइजीन कोड्स फॉर प्रोटीन विच कैन कंट्रोल द कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर को जो नियंत्रित करती है, जो मक्का छेदक कीड़ा होता है उसको नियंत्रित करती है, उसके लिए कौन सी जीन काम में लेते हैं। तीन ही तो एग्जाम्पल है आपके, तीनों बता देता हूं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अपने क्वेश्चन और डिजाइन हो जाएगा। देखो बेटा, क्राई फर्स्ट एसी, बोलो मेरे साथ, क्राई सेकंड एबी एंड क्राई फर्स्ट एबी, ये दोनों जो है वो किसको कंट्रोल करती है, कॉटन बोलवर्म को, और ये किसको कंट्रोल करेगी, कॉर्न बोरर को। कर लोगे तो ये आंसर क्या जाएगा आपका, क्राई फर्स्ट ए बी, ढूंढो कहां पे है क्राई फर्स्ट ए बी, आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल बेटा तीनों याद रख लेना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन से डिजाइन कर सकता है, ए बी कॉर्न बोरर और ए सी और सेकंड ए बी काम में ली है तो कौन जाएगा आपका, कॉटन बोलवर्म। हो गए होंगे याद, या पहले से आपको याद होने चाहिए बेटा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बायोटेक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है। डिफरेंस बिटवीन रिकॉम्बिनेंट सेल फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, दे रखा है कॉन्सेप्ट, दिस प्रोसेस ऑफ एंजाइम जीन बिकम इनएक्टिवेट विच इज रिफर्ड एज, उसके लिए आपको किसी जीन, किसी सेलेक्टिव मार्कर का इनएक्टिवेशन करवाना होगा। याद आया, जैसे मान लो मैंने कोई प्लाज्मिड लिया, यहां पर है AMPR जीन, यहां पर ले ली मैंने लैक जेड जीन, ले ली क्या, ले ली लैक जेड जीन, जो उसने काम में भी ली है कलर के बेसिस वाली, तो लैक जेड जीन के अंदर आपको जीन को ट्रांसफर करना होगा, तो लैक जेड जीन का क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो लैक जेड जीन अभिव्यक्त नहीं होगी, ये एंजाइम नहीं बना पाएगी, तो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। इसने तो सिंपल पूछा है, तो ये प्रोसेस क्या है, इनएक्टिवेट करना है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्या कहलाता है, निवेशी निष्क्रियता, बोले तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इज दैट करेक्ट। अब इसका एक क्वेश्चन और बन जाएगा, उसमें मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट आता है इस पे। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आ गया आपका 178, फिर बायोटेक का, बायोटेक से अच्छे क्वेश्चन आते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर बायोटेक को थोड़ा और रिवाइज कर लेना, लास्ट टाइम जो है काफी क्वेश्चन आए थे, तो हो सकता है आपकी बार वो और अटैक कर ले। ठीक है, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द PCR प्रोसेस, PCR छोटा सा टॉपिक है, आपने उसको इतना रखा होगा, कोई क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं हो सकता, लेकिन एक बार फिर से देख ले, इट कैन प्रिपेयर मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA, बिल्कुल सही है, इट रिक्वायर टैग पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि ये ताप स्थायी होता है, थर्मल थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है टैग पॉलीमरेज, जिसको अपन थर्मस एक्वेटिकस से आइसोलेट करते हैं, इट इज यूज्ड इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन, बिल्कुल सही है, अगर आपको आणविक निदान करना है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करना है, तो उसके लिए आजकल PCR का बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, जैसे आजकल कोरोना टेस्ट हुआ था, कोरोना के अंदर जो टेस्ट किया जाता था उसमें PCR काम में लिया जा रहा था, कभी देखा होगा रिपोर्ट में RT-PCR, जो वो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आ जाता है, इट इज नॉट यूज्ड टू अर्लियर डायग्नोसिस ऑफ HIV, गलत हो गया बेटा, HIV का अर्ली डायग्नोसिस किसके द्वारा हो सकता है, PCR के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत कथन कौन सा है, फोर्थ वाला है, इसका उपयोग तो अपन HIV के अर्ली डायग्नोसिस में कर सकते हैं, करते ही हैं, लेकिन इसने क्या बोला कि नहीं होता तो गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस लाइक जया एंड रत्ना वर डेवलप्ड इन, याद रखना है बेटा बहुत सिंपल है, दो बातें होगी, जो जया और रत्ना है वो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, ये क्वेश्चन आता है आपको याद भी है, किस में कहाँ डेवलप की गई, इनका उपयोग कहाँ किया गया है, अरे भाई अपने इंडिया में डेवलप की गई है ये, तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, इंडिया। ठीक है, डेवलपमेंट इसका इनका कहाँ हुआ है, इंडिया में।
लेकिन वो जो जीन की अगर बात कर लें कि वो जीन कहां से ऑप्टेन की थी, IR8 जीन, ये वो जीन, तो उसके लिए फिर आपको वो एग्जाम्पल भी याद करने पड़ेंगे, देख लेना उनको एक बार, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं 180, कौन सा यूकेरियोटिक जीव मृदा में फॉस्फोरस अवशोषित कर पौधों को प्रदान करता है, तो बताएं कौन प्रदान करेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जानते हो ग्लोमस, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है माइकोराइजा की। माइकोराइजा के अंदर जो फंगल पार्ट होता है वो कौन से जीन से रिलेटेड है, ग्लोमस से। क्लियर? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है बेटा, छोड़ना नहीं है, समझना इनको, इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है। प्रमोटर इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टेट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रमोटर ही डिफाइन करता है कि कौन सी टेम्पलेट होगी और कौन सी कोडिंग होगी, बिना प्रमोटर के आप उनको डिफाइन नहीं कर सकते। प्रमोटर के रेस्पेक्ट में जो 3 से 5 होती है, 3' to 5', वो टेम्पलेट कहलाती है, और जो 5' to 3' होती है वो कहलाती है कोडिंग स्ट्रेंड। तो सही बात है, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये कौन है, स्ट्रक्चरल जीन है, इधर कौन होता है प्रमोटर, इधर कौन होता है टर्मिनेटर, तो बताओ स्ट्रक्चरल जीन फ्लैंक्ड बाय प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, इनके किनारों पर कौन है, इधर प्रमोटर, इधर कौन है टर्मिनेटर, बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, सही है। इन यूकैरियोट द मोनोसिस्टोनिक जीन है, सबको मालूम है यूकैरियोट में कौन जीन होती है बेटा, मोनोसिस्टोनिक, जिनमें क्या पाए जाते हैं, इंट्रोन पाए जाते हैं, जो क्या है, इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेज होते हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर इज नॉट अफेक्टेड, गलत हो गया, अफेक्टेड होना चाहिए था, जो प्रमोटर रेगुलेटरी जीन होती है, जो सीक्वेंस है वो करेक्टर्स को अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस, होता है ना, प्रमोटर रिसेसिव भी हो सकता है और डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव जीन डोमिनेंट जीन, तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, वहां लिखा है अफेक्टेड बाय, यहां नोट लगा दिया, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ध्यान देना बेटा, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एज इट इज आएंगे, मैन्युपुलेट कर सकता है वो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आप, 181 हो गया था, 182, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। इन ए डार्क कलर्ड एमोर्फस, एक गहरे रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ, ह्यूमस, पता है तुम्हें ह्यूमस होती है, तो ह्यूमस की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमस में बताओ बेटा रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ज्यादा होती है कम होती है, कम होती है रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, तो अपघटन की दर क्या होगी इसमें, कम होती है, भाई डिकम्पोजिशन हो चुका है ना, ह्यूमस की आप बात कर रहे हो, तो क्या सीधा किस पे जाओगे, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज डिक्रीज, बोले तो अपघटन की दर क्या होती है, कम होती है। ओके, अब ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन निकाल लिया ताकि आपके दिमाग में ये डेटा वगैरह निकल ना जाए, कर लोगे बड़ा सिंपल सा है, तो 183 में किसकी बात कर रहा है, ये विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वचालित वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक लगाए जाते हैं, जैसे, सीधा आंसर याद रखना है, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम, मेरे ख्याल से कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 184, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये जो आपका पॉपुलेशन इंट्रक्शन है वहां से डिजाइन किया है, एमएन सेलिज में, सब जानते हो बेटा, याद रखने आपको, आपका पैरासिटिज्म क्या है, कंपटीशन क्या है, ठीक है, इसके अलावा कॉमन सेलिज में, इसके अलावा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दोनों को फायदा है नुकसान, एक को फायदा एक को नुकसान, तो यहाँ पर, और ये अगर आपने प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व किए होंगे तो पता लग गया होगा ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको वापस दिखाया है डेमो कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, वो दूसरे एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, तो अपन ने तो बात की एमएन सेलिज्म की, तो बताना एमएन सेलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को नुकसान और दूसरी स्पीशीज को ना फायदा ना नुकसान, इस तरह का जो इंट्रक्शन हो किसमें आएगा, एमएन सेलिज्म में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 185, ठीक है, तो 185 जो है उसमें सिंपल सी बात है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, एक्वेटिक फूड चेन की बात कर रहे हैं, एक्वेटिक फूड चेन में देखो इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, उसने बोला है
वोटर बॉडी, सॉरी जलीय खाद्य श्रृंखला में जल काय डीडीटी की मात्रा, जलीय काय में वोटर बॉडी में डीडी की मात्रा कितनी है? 0.003 पीबी प्रेजेंट है। तो आपको फूड चेन पे जाना होगा। अब इसके अकॉर्डिंग इसने क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन किस में मिलेगी आपको देखने को, तो बेटा कानिश्रूस कहां से होगी? फाइटो प्लैंकटोन, फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, फिर हो जाएगा आपका ईटिंग बर्ड्स। तो ऑब्वियसली जो टॉप कंज्यूमर है उस पर आप चले जाओ। तो फाइनली जो टॉप कंज्यूमर होते हैं उनमें मैग्निफिकेशन ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें सीधा जाओ, ज्यादा मात्रा किसमें मिलेगी? यहां पर आ जाएगा आपका मत्स्य भोजी पक्षियों में बोले तो फिश ईटिंग द बर्ड्स। टॉप पे जाओगे मैग्निफिकेशन वाला क्वेश्चन है ये, तो वहां पर क्या होगा? डिपोजिशन हाई होगा। अब पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी में जो क्वेश्चन है उनकी थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। काफी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, कोई कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है तो अपन उनको जल्दी से करवा देंगे, अच्छी बात होगी तो उसको कवर कर लेंगे। 186 सिंपल सा क्वेश्चन है, फंगस से उठाया है क्वेश्चन, आपको दिख गया होगा। समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी पर लिंगी जनन पाया जाता है। देखो सम असम, ये जो सम वाला होता है ये लोअर टाइप का होता है, और ये तीनों प्रकार के किसमें देखने को मिलते हैं? ये मिलते हैं लोअर फंजाई, और लोअर फंजाई में यहां पर कौन आएगा बेटा? फाइकोमाइसिटीज। कौन आएगा? फाइकोमाइसिटीज। सिंपल कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा आपसे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फैलोजन बनाता है, एनाटॉमी का क्वेश्चन आ गया बेटा, अच्छा है ये। फैलोजन, फैलोजन क्या होता है? कॉर्क कैम्बियम। फैलोजन कौन होता है बेटा? कॉर्क कैम्बियम बोले तो मेरिस्टेमेटिक हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब फैलोजन आउटसाइड एक्टिविटी करेगा तो क्या बनेगा? इनसाइड करेगा तो क्या बनेगा? सबको पता है इनसाइड करेगा तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोले तो फैलोडर्म, और आउटसाइड करेगा तो क्या बनेगा बेटा? यहां बनेगा आपका कॉर्क बनेगा। क्या बनेगा? कॉर्क। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ ना, फेलोजन फॉर्म्स कॉर्क आउटसाइड बिल्कुल सही है, एंड फेलोडर्म इनसाइड। आंसर तो ये होगा, कॉर्क इनसाइड गलत हो गया, बोथ कॉर्क एंड इनसाइड बिल्कुल सिंपल हो गया ना, कॉर्क आउटसाइड एंड फेलोडर्म इनसाइड। जानते हो ना फेलोडर्म बोले तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और जो कॉर्क होगा वो आउटसाइड होगा, जिसके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, सेल क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। क्लियर कर लोगे? एनाटॉमी सेकेंडरी ग्रोथ अच्छे से देखनी है बेटा, अच्छे क्वेश्चन आते हैं वहां पर, सेकेंडरी ग्रोथ को एक बार फिर रिवाइज कर लेना। एनाटॉमी के अंदर आपको पता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, रटने का है ही नहीं, तो एक बार वापस इसको रिवाइज करना। ओके, तो ये 187 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 188 पे, ठीक है। सही कथन की संख्या चुनिए, देखते हैं क्या कथन है। कथन का मतलब होता है आपका दिमाग एफिशिएंट होगा तो ही आपको कथन समझ में आएगा बेटा सही है गलत है। इन मोस्टली डाइकोट्स, किसकी बात कर रहा है ये? मोस्टली डाइकोट्स प्लांट प्राइमरी रूट अराइज फ्रॉम पीरियडिकल, सही बात है, अधिकांश द्विबीजपत्री पात्रों में प्राथमिक मूल मूलांकुर से विकसित होती है, बिल्कुल नॉर्मल स्टेटमेंट है, सही है। लेटरल रूट यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम पार्ट ऑफ द पेरिसाइकिल, जो पार्श्वी मूल होती हैं वो कहां से ओरिजिनेट होती हैं? किससे? पेरिसाइकिल से ओरिजिनेट हो गएंगे बेटा, ये स्टेटमेंट है जो आपको याद होने भी चाहिए। ओरिजिन क्या होता है लेटरल रूट का? क्या होता है? पेरिसाइकिल। एंडोजिनस ओरिजिन हो गया, सही है। फाइब्रस रूट सिस्टम डेवलप इन मस्टर्ड, गलत हो गया, मस्टर्ड में नहीं होगा। टैप रूट सिस्टम डेवलप इन वीट, ये भी स्टेटमेंट गलत है, एनाटोमी के मॉर्फोलॉजी के स्टेटमेंट है, वहां पर बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें दे रखी है, ये एग्जांपल जरूर याद रख लेना, ये इन्होंने रिवर्स कर दिया। तो यहां पर पूछा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं? तो ए और बी क्या है? करेक्ट है, दो करेक्ट है, तो सीधा कौन से आंसर पे जाओगे आप? थर्ड पे चले जाओगे। ओके, तो 188 के बाद अपन चलते हैं अब नेक्स्ट, कौन सा जाएगा? 180, ठीक है बेटा। अब चले क्वेश्चन नंबर 189, मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर हाइपोगाइनस फ्लावर, जो अधोजायंगी पुष्प होते हैं उसके लिए गलत कौन सा है? सब जानते हो बेटा हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है? जिनमें ओवरी क्या होता है? सुपीरियर होता है, और जब ओवरी सुपीरियर होगा, सुपीरियर कौन होगा? ओवरी, तो बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो कहां होंगे बेटा? लोअर रीजन में होंगे, तो इसको क्या बोलोगे आप? हाइपोगाइनस। तो देखते हैं, दे हैव सुपीरियर ओवरी, बिल्कुल सही बात है,
रोंग पूछा है, लेकिन इसने ये तो करेक्ट है. द फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ द ओवरी, गलत हो गया बेटा, लोअर सरफेस ऑफ द ओवरी. तो आंसर तो यही हो गया. दीज फ्लावर प्रेजेंट इन मस्टर्ड एंड चिली, ये तो इसलिए डाल रहे हैं कि आपको याद भी हो जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. तो बताओ इनके एग्जाम्पल, जो मस्टर्ड है दे रखा है तुम्हारी एनसीईआरटी ने, चिली ये याद करो, फैमिली के अंदर जो सोलेनेसी है उसमें भी कौन सा होता है, हाइपोगाइनस. तो ये याद रखना है, एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए उससे पूछेगा, फैमिली ये रहेगा ना सोलेनेसी कंटेन हाइपोगाइनस फ्लावर. ठीक है, तो थोड़ा सा इन फैमिलीज को, इनके जो कैरेक्टर है उनको वापस से एक बार देख लेना अच्छे से, ताकि एक आध क्वेश्चन आएगा आएगा पक्का. मॉर्फोलॉजी आते हैं, दो तीन क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए बेटा, कोई गलती से गलती नहीं होनी चाहिए. ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड. नेक्स्ट पे चलते हैं, सेल का क्वेश्चन आ गया वही मैचिंग वाला. तो मैचिंग की अगर बात करें तो देख लो, मैं मैच सीधा ही कर देता हूं बेटा. लैप्टोटीन, जायगोटीन, पेगाटीन, डाइगोनिसिस, सब याद करनी है. लैप्टोटीन बोले तो इनिशिएशन ऑफ द क्रोमोसोमल कंडेंसेशन, सबको याद है. जायगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस होता है. पेकाइटीन जो है उसमें क्या होता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर होता है, ये क्रॉसिंग ओवर. और डाइकाइनेसिस बोले तो उपांति भवन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइजमेटा. हो जाएगा, कर लोगे, मैच कर दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को सेलेक्ट करना है. और इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं फिर बता देता हूं, मियोसिस के अंदर एक बार प्रोफेज फर्स्ट को वापस देख लेना. मियोसिस में अटैक करेगा तो जनरली वो प्रोफेज फर्स्ट से क्वेश्चन पक्का निकालता है. प्रोफेज फर्स्ट, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, अच्छा क्वेश्चन बनता है और 100% आता है. नेक्स्ट, दी गई संरचना को पहचानिए बेटा, बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा ये भी आपको दिमाग में डाल दिया कि स्ट्रक्चर भी याद करनी है आपको. बताना दी गई संरचना, ये नाइट्रोजन बेस है, ये कोई बॉन्ड है. अच्छा, इसने क्या पूछा है, गिवन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई ए, संरचना नहीं पूछा, ए क्या है इसमें. तो देखो यहां पर जो ए है बॉन्ड है, ये बेटा कौन है, सुगर है, ये बेस है और ये फॉस्फेट ग्रुप है. तो ये जो बॉन्ड है जो सुगर और बेस के बीच में होता है, सबको मालूम बेटा ये कौन सा है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. कौन सा, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. और ये कौन सा होता है, सॉरी ये वाला, ये कौन सा होगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड. ये कौन सा, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. तो आंसर ढूंढो, ए क्या है, ये रहा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. नेक्स्ट चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया एक बार वापस से. ये क्वेश्चन आपने खूब सारे सोल्व किए होंगे बेटा, एक बार फिर से इनकी पिक्चर दिखा देते हैं. लैकोपेरोन पक्का क्वेश्चन आता है, लैकोपेरोन से एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसने बोला ए बी और सी को पहचानो. ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा और आते रहते हैं, रिपीट भी होते हैं. ए बी सी, बताना जेड किसको कुटलिखित करती है, सीधा बोलो ना आप. तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बी परमिएज और सी ये कौन होगा, ट्रांस एसिटाइलेज. आ चुका है नीट में भी क्वेश्चन, लेकिन फिर से देख लो एक बार, क्योंकि ये पिक्चर आपके सामने पूरी है. देखो बेटा ये जो लैकाइजीन है, लैकाइजीन उसका प्रोडक्ट कौन होता है, ये प्रोटीन जिसको बोलते हैं अपन लैक रिप्रेसर प्रोटीन. कौन सी प्रोटीन, लैक रिप्रेसर प्रोटीन, जो क्या करती है, ऑपरेट के ऊपर जाके बाइंड हो जाती है और बाइंड होकर क्या करती है, आरएनए पॉलीमरेज को अनुलेखन करने से रोकती है. समझ में आ रही होंगी, लैक ओपेरोन को वापस से देख लेना, 100% क्वेश्चन आता है लैक ओपेरोन से. तो इसका आंसर तो मिल गया होगा आपको, ए बी सी क्या है, तो ए क्या है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बी क्या है, परमिएज, और सी क्या है, ट्रांसएसिटाइलेज. मैंने बता दिया आपको, मेंशन कर दिया है, कर लोगे. नेक्स्ट 193 में मैचिंग वाला आ गया. मैचिंग वाले इसलिए डाले कि प्रैक्टिस भी हो जाए, मैचिंग वाले काफी आते हैं नीट में. लो सीधा मैच करवाते हैं. डिफ्यूजन, अरे भैया डिफ्यूजन को मैच करो, फ्री मूवमेंट ऑफ द आयन एंड गैसेज. ऑस्मोसिस ये रहा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस रिलेटेड होगी. इम्बाइबिशन, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होनी चाहिए तब जाके इम्बाइबिशन होगा. प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. बिल्कुल सिंपल मैचिंग है, आपको पता भी है, लेकिन एक बार इन चीजों को फिर से देखना कि कोई दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इनसे रिलेटेड. ठीक है, मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया, हार्मोन से रिलेटेड हो गया. बिल्कुल सारे हार्मोन याद करने हैं, हार्मोन से पक्का क्वेश्चन आता है बेटा. एक बार हार्मोन को वापस देख लेना, एक बार कोई दिमाग से स्टेटमेंट निकल ना जाए. ऑक्सिन, अब ये हार्मोन को आपको डायरेक्ट मैच करना है. तो तुम्हारे सामने है मूल प्रारंभन कौन करेगा, ऑक्सिन करेगा. ये पर्व का दीर्घीकरण कौन करेगा, सबको पता है जिबरेलिन करेगा. फल परिक्रमण को प्रेरित कौन करता है, इथाइलिन कर देगा. क्लोरोफिल के संश्लेषण में मदद कौन करता है, कौन करेगा आपका, साइटोकाइनिन. बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करनी है बेटा, वहां पर जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दे रखे हैं एज इट इज लाइन टू लाइन याद करके जाओगे. ठीक है, कर लोगे इसका आंसर.
बड़ा सिंपल है, मैच करके देख लो, ए में क्या आएगा बेटा, ए में ये रहा थर्ड आ जाएगा, बी में क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट आ जाएगा, सीधा बता देता हूँ कर लोगे फिर, सी जो है सी में क्या आएगा आपका फोर्थ आएगा, और जो डी है एथाइलिन, इथाइलिन को किससे मैच करोगे इससे, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या चला जाएगा सी फोर और डी सेकंड, डी सेकंड ठीक है, थर्ड वाला हो जाएगा। इनको छोड़ मत देना बेटा, काफी अच्छी आपने तैयारी कर ली है, लेकिन अब वक्त आ गया है, अब आपको फाइनल गेम जो है उसको जीतना है, और जीत तभी हासिल होगी जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेंगे, खुद पे विश्वास बनाए रखेंगे। और बेटा हम भी आपका विश्वास है, ध्यान रखना, हम जो भी ये कर रहे हैं केवल आपकी सफलता के लिए कर रहे हैं, और हमारे विश्वास को भी तोड़ना मत बेटा, पूरी सीएलसी आपके साथ है, ये आपके साथ ही तो है बेटा, जो आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं इसलिए करवा रहे हैं कि आपको पूरी नॉलेज मिले और एग्जाम को अच्छे से आप फोड़ के आओ। ओके चलो ये भी देखो, बड़ा सिंपल है, मैचिंग वाला है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसकी बात कर लेते हैं। एटीपी सिंथेज बताओ किससे मैच करोगे, इधर कर देते हैं, इंग्लिश में इजी रहता है। एटीपी सिंथेज, अरे बेटा कॉम्प्लेक्स फिफ्थ थोड़ी देर पहले आया था, एनएडीएच टू डी हाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स सेकंड, एफएडीएच टू डी हाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये इसको सही करते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगी नहीं मैचिंग। अच्छा मैं यही लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड है ना, ज्यादा इजी रहेगा। एटीपी सिंथेज ये होता है बेटा कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, एनएडीएच टू डी हाइड्रोजनेज होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, एफएडीएच टू डी हाइड्रोजनेज होता है कॉम्प्लेक्स सेकंड, साइटोक्रोम AA3 ये होता है कॉम्प्लेक्स फोर, याद आया, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, और साइटोक्रोम BC1 ये कौन है कॉम्प्लेक्स थर्ड हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग मैच कर लो आप, आराम से हो जाएगा, बताना मुझे आंसर क्या हो जाएगा इसका। ए जो है इसमें देखो A4 फिफ्थ दे रखा है, बी, बी में क्या है आपका फर्स्ट है ठीक है, यहाँ सी में क्या है सेकंड है, ये वाले आ जाएगा, डी क्या है फोर्थ है, और ई क्या है थर्ड है, तो बताओ मैचिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका थर्ड, मैचिंग मैंने करवा दी है, फिर भी आप आंसर खुद करोगे। ओके अब इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा सिंपल डायग्राम उठाया एनसीईआरटी का, देखें इधर ये डायग्राम दिख रहा होगा, बिल्कुल डायग्राम देखते दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी होगी, ये मेगा स्पोर से कहानी शुरू की है, कौन है बेटा ये मेगा स्पोर हैप्लोइड, जो रिजल्ट है किसका, मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस का रिजल्ट है। अब इसमें होगा डेवलपमेंट, माइटोटिक डिवीजन होंगे 1 2 3, उसके बाद में क्या होगा आगे साइटोकाइनेसिस होगा, उसके बाद में बनेगा एम्ब्रियो सैक, क्या बन रहा है ये एम्ब्रियो सैक, कौन होता है बेटा एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो बताओ ये किसके डेवलपमेंट को बता रहा है, ये है मेगा गैमेटोजेनेसिस है, क्या है मेगा स्पोर का क्या है डेवलपमेंट है, तभी तो आगे क्या बनेगा आपका फीमेल गैमेटोफाइट बोले तो एम्ब्रियो सैक, तो कौन सी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रही है मेगा गैमेटोजेनेसिस, गुरु युग्मक जनन, एम्ब्रियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे को सुनाते हैं। 196 बैक्टीरिया पजेसिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिप्रेजेंट, बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो आरी प्रेजेंट है वो क्यों उन्होंने डेवलप कर रखे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि वो जीवाणु भोजी से अपनी सुरक्षा कर सकें, जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोकने के लिए उन्होंने आरी डेवलप कर लिए, तो देख लो रेजिस्टेंट फॉर द बैक्टीरियो फेज, कर लोगे सिंपल है ये बायोटेक में, आरी में पहली जो दो लाइनें हैं वो इसी के अकॉर्डिंग दे रखी हैं। 198 ये देखो क्वेश्चन दिखा, याद आया क्वेश्चन, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आपने सोल्व भी किया होगा, हो सकता है आपने आंसर इसका रट रखा हो, लेकिन मैंने इसलिए जानबूझ के उठाया है ताकि एक बार ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आए कि ये इतना दिमाग भी लगा सकता है, तो बताओ सिंपल सी बात, एक बार इसको मैं खुद सोल्व करके दिखाता हूं। प्लाज्मिड आपका PBR322 सबको मालूम बेटा, ये रहा PBR322 जिसके अंदर AMPR जीन और इधर कौन है TTR जीन होती है, AMPR जीन एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी देगी, TTR जीन टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाएगी। अब ये कह रहा है कि इफ एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग ए जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन, इसके अंदर उन्होंने कोई जीन डाल दिया किसमें
किसमें डाला है जीन? एएमपीआर में। किसमें? एएमपीआर जीन के अंदर कोई जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कुटलेखित करता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जीन को इसमें इंसर्ट कर दिया आपने, ये लो कर दिया इंसर्ट, आरडीएनए बन गया। अब बताओ जैसे तुम जीन इंसर्ट करोगे एएमपीआर जीन के अंदर, तो एएमपीआर जीन का हो जाएगा इनसर्शनल इनएक्टिवेशन, निवेशी निष्क्रियण। तो अब बताओ ये एम्पिसिलिन के प्रति अब प्रतिरोधक नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? संवेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेदी। और ये आरडीएनए जिसमें जाएगा उसमें ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन भी करेगा, इसने बोला है ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन तो कर देगा। अब ऑप्शन पे जाओ, रूपांतरित कोशिकाओं में एम्पिसिलिन प्रतिरोध की क्षमता होगी? नहीं होगी अब, क्योंकि निवेशी निष्क्रियण हो गया। इसमें पोषक कोशिका में लयन हो जाएगा, पोषक कोशिका में लाइसिस थोड़ा होगा, इससे कोई इसका मतलब ही नहीं है। इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस ए नोवल प्रोटीन विद ड्यूअल एबिलिटी, नोवल प्रोटीन नहीं बनाएगी वो, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगी। तो इन्होंने क्या बोला है? नोवल प्रोटीन विद ड्यूअल एबिलिटी, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ क्या लिखा है? ये पोषक कोशिकाओं का एम्पिसिलिन प्रतिरोध नहीं बना पाएगा। अब सही है, ये पोषक कोशिका जो है उसको एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधक नहीं बना पाएगा, वो क्या हो जाएगी? संवेदी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या गया? फोर्थ वाला। देखो एक एक्सपेरिमेंटल हो गया, ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, डेटाबेस नहीं है कि डायरेक्ट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल, इसलिए फैक्टर एक बार अच्छे से पढ़ लेना ताकि वो कोई मैनिपुलेशन करे, कोई चेंज करे, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन बनाए, तो दिमाग ऑन रखना है आपको वहां पर भी। ठीक है, चलें आगे। 199 इकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, ये देखो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज एन एक्सेप्शन टू इकोलॉजिकल रूल ऑफ द कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन, जानते हो ना गोज, गोज का जो लॉ था एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब दो स्पीसीज प्रेजेंट हैं कोई भी हैबिटेट में और सेम रिसोर्सेज के लिए वो कंपटीशन कर रही हैं, तो आपको पता है बेटा एक को क्या होना होगा? वहां से जाना होगा, बोले तो एक जो है वहां क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये कंपटीशन ही तो है, कंपटीशन का गुण बनाए। तो दो कोई भी मेंबर है, दो स्पीसीज हैं, अगर रिसोर्सेज सेम है तो उनमें होगा कंपटीशन, और जहां कंपटीशन आएगा वहां पर एक को वहां से क्या होना होगा? भागना होगा, बोले तो एक्सक्लूजन उसका होगा। अब उसने एग्जाम्पल दिए जो तुम्हारी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो देखो इसमें पूछा ना एक्सेप्शन टू द इकोलॉजिकल रूल ऑफ द, तो ये जो आपके गैलेपागो द्वीप पर जो एबिंगडन कछुए थे इसके एग्जाम्पल में आएंगे। इसमें तीन एग्जाम्पल दिए हैं, तो देखो सिंपल सा है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल में है, लेकिन ये जो है वार्बलर्स जो स्पीसीज ऑन पाइन ट्री जो होती है, ये क्या है? बर्ड्स हैं, ये क्या है? ये जहां पाई जाती हैं वो अपने अंदर ऐसा शेप में, साइज वगैरह में ऐसा डिफरेंस क्रिएट कर लेती हैं कि उनमें आपस में कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा, लेकिन यहां पर क्या है? ये कंपटीशन में आ जाएंगी, बोले तो ये इसके एग्जाम्पल में कंसिडर करेंगे, लेकिन इसके एग्जाम्पल में कंसिडर नहीं होगी। तो यहां पर जो चीड वृक्ष वाली है, जो आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, तो यहां ये गोज के जो लो है उसका पालन नहीं कर रहे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। इंपॉर्टेंट है बेटा, इकोलॉजी में सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इस पर थोड़ा ध्यान दे लेना, इसके एग्जाम्पल वगैरह देख लेना, गोज प्रिंसिपल, गोज लो, ये एग्जाम्पल आए होंगे, एज इट इज याद रखना ताकि दिमाग में एग्जाम्पल रह जाए आपके। ठीक है, कर लोगे इसे भी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एंजाइम का क्वेश्चन डाल दिया, एंजाइम से क्वेश्चन आता है बेटा, पक्का ध्यान रखना। विच ईच एंजाइम सो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच, बिल्कुल सही बात है, ग्राफ याद रखना है बेटा, ये सिंपल सा ग्राफ है ये वाला, यहां पर है आपका एंजाइम एक्टिविटी और यहां पर ले लिया अपन ने क्या, पीएच ले लो या फिर टेम्परेचर ले लो, ये क्या है? ऑप्टिमम, ये डिक्लाइन हो रहा है, यहां पर इंक्रीज हो रहा है, ऑप्टिमम पीएच नीचे या ज्यादा, आगे कम या ज्यादा करोगे तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, सही है। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्पररी इनएक्टिव स्टेज, टेम्परेचर लो कर दोगे आप तो टेम्परेली क्या हो जाएंगे? इनएक्टिवेट हो जाएंगे, सही है। हाई टेम्परेचर एक्टिवेट द एंजाइम एक्टिविटी, गलत हो गया, हाई टेम्परेचर करोगे तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम होगी और एंजाइम परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइम एक्टिविटी, बिल्कुल सही है, तो सीधा आंसर करो यहाँ पर थर्ड। तो ये बात होगी बेटा, देखो मैंने काफी आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस पेपर के माध्यम से अपने को, भी मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा आपको क्या देना था, वैरायटी देनी थी, कुछ बातें ऐसी मिल जाएं
कि आपको फायदा मिल जाए। दो चार पांच बातें आपको एक्स्ट्रा समझ में आई होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आपको मैं फिर से एक बार फिर बोल रहा हूं बेटा, 17 जुलाई के लिए बेस्ट ऑफ लक। हमारा सभी का, पूरी टीम का, पूरे सीएलसी परिवार का आशीर्वाद आपके साथ है। और बहुत अच्छा करना बेटा, बहुत अच्छा। अपनी पूरी मेहनत को वहां पर काम में लेना है, क्योंकि सब तुम्हारे साथ हैं। पेरेंट्स का आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाना है वहां पर, पॉजिटिव मानसिकता के साथ जाना है, और बहुत अच्छा होगा। आपने इतनी मेहनत की है, मेहनत खराब नहीं जाएगी। ओके, तो मैं फिर पूरे सीएलसी परिवार की तरफ से आपको फिर से मैं एडवांस में बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूं। अच्छा करना बेटा, अच्छा। ओके, ऑल द बेस्ट।